सर आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। मेरा नाम लोकेश शर्मा। मेरा नाम स्टीफन डोमिनिक। गवर्नमेंट चाहते है कि आप जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको आप खर्च करें जी। जब आप खर्च करोगे तो नेचुरली क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली आपको रोजगार भी, आपका वो रोजगार भी सृजन होगा जी। उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा जी। तो गवर्नमेंट चाहती है अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहती है। एजुकेशन तो पहले से ही बिजनेस बन चुका है, अब और ज्यादा बन जाएगा लगता तो यही है, क्योंकि एजुकेशन सब्जी के बिजनेस। देखिए दो ही फील्ड है इंडिया में जो राइज कर रहे हैं, एक एजुकेशन और दूसरा मेडिकल। कुल मिलाकर ये है जो चीजें आम जनता की जी जी रिलैक्स होना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए था जी, वे तो सब महंगी होगी जी। और जो एक साल में जीवन भर के लिए वो चीज होती है जी, वे सस्ती कर दी गई जी। बोले जीवन जिंदगी पे एक भी टैक्स लग गया। युवा देश बोला जा रहा है 65% यंग जी। आज यंग बेचारा बैठका घर में जी। और जो 5-7% भी देश चला रहे, जितना किसानों को जो उनके औजार हैं, जो उनके वे हैं, बस उनको मंदा नहीं दिया जाएगा, उन पर मतलब छूट नहीं दी जाएगी जब तक किसान उठ नहीं सकता जी। है डाई पे टैक्स लगा रहे हो, डीजल तुम्हारा इतना महंगा होता जा रहा है, कह रहे हो किसान कब दुगनी आय करने जा रहे हैं। काहे की दुगनी आय होगी भाई, मुझे बताओ। मैं जो बात कर रहा हूँ गरीब की कर रहा हूँ। तेजस सवारी किसके लिए आ रही है? 100 एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं, किसके लिए खोले जा रहे हैं? ये क्या गरीब आदमी के लिए, मीडियम आदमी के लिए खोले जा रहे हैं? सबका साथ। ये यंग के लिए खोले जा रहे हैं? यंग की लड़का जो है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो हमारा प्रैक्टिकल देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, वे तेजस में जाएगा जी। उसको तो गरीब रथ मिल जाएगा, वो यही चला जाएगा। ये किसके लिए आ रही है बिजनेस? ये सब रोजगार जितने भी आ रहे हैं बड़े लोगों को आ रहे हैं। आज जो हम जो 6 घंटा में रेलगाड़ी से जा रहा, 1.5 घंटा में मुड़ के झड़ देने आ जाएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उसके किराया इतना, उसके लिए सब जितने भी एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं बड़े लोगों को, ये जो कुछ लोग चंदा है अपना कर रहे हैं काम, उनके लिए खोले जा रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील रावत आज के खोज चैनल से, और आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं पब्लिक रिव्यू बेसिस ऑन इंडियन बजट। 1 फरवरी को इंडियन बजट इंट्रोड्यूस हुआ था निर्मला सीतारमन के थ्रू, और जो कि हमारी हिस्ट्री का अब तक का सबसे लंबा बजट स्पीच थी। 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच चली थी, और सेकंड रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है, जो कि 2019 और 2020 का बजट था, जिसमें उन्होंने 2 घंटे 10 मिनट का टाइम लिया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस बजट की जो थीम थी, सबका साथ सबका विकास। सो इसी बजट पे हम करने वाले हैं पब्लिक से क्वेश्चन कि उनको जो बजट है वो किस तरीके से लगा, क्या ये बजट उनको लुभा पाया या नहीं। तो चलिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं बजट के ऊपर। सर आपका नाम क्या है? सुनील शर्मा। सर मेरा आपसे जस्ट ये क्वेश्चन है, बजट की कोई ऐसी चीज जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हो, या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक सवाल 5 लाख वाले का है, वो तो स्वागत योग्य कदम है जी सर। क्योंकि आम आदमी जो है वो, उसके लिए पास एक स्रोत है जी, जहाँ वो बैंक में अपना पैसा जमा कर सकता है, उसके अलावा उसके पास जी और कोई चारा नहीं होता जी सर। तो बैंक में, और जब लोगों को पता लगा कि सिर्फ 1 लाख तक को उनको उनके जो डिपॉजिट है इंश्योर है, तो उनके लिए बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि यार अगर कल को बैंक को डूब गया, वैसे ऐसा होता नहीं है आमतौर पे जी सर, अगर बैंक डूब गया तो हम कहाँ जाएंगे जी। तो लेकिन 5 लाख जो उन्होंने किया, एक बहुत अच्छा कदम है मतलब। जहाँ तक सवाल है उनके स्लैब का जी, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक स्लैब है उसमें उन्होंने जो किया है वो बहुत ज्यादा स्वागत योग्य नहीं है, क्योंकि आप जैसा वो कह रहे हैं कि भाई इससे आपको है ना नए स्लैब में अगर आप जाते हैं तो आपको 78,000 रुपए का फायदा होगा जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन में देखें जी, तो जो पुराने वाला है वही अभी लोग ज्यादा ऑप्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप सेविंग नहीं करेंगे तो ओल्ड एज में हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं ओल्ड एज के लिए जी। तो आदमी को ओल्ड एज के लिए तो सेव करना ही पड़ेगा। कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में है? बहुत कम लोग हैं जी। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग, उनको अगर आप सेविंग के लिए कुछ नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा सा जो है लोगों को परेशान करने वाला है। सुनील जी, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 6% इन्होंने रक्षा बजट को जो है बढ़ाया है। जैसे आपको पता होगा, जैसे कि हमारा जो रिलेशन है पाकिस्तान से या चाइना, एक हमारे लिए थ्रेट है। सो किस तरीके से देखते हैं कि 6% जो बजट को बढ़ाया गया है रक्षा बजट में, सो क्या आप उसे अच्छा मानते हैं कि या फिर इसे और बढ़ाना चाहिए था? देखिए, रक्षा बजट में तो वृद्धि जरूरी है आज के सिनेरियो में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी जो सीमाएं हैं वही सुरक्षित नहीं होंगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। तो रक्षा बजट में जो वृद्धि है वो तो अच्छी है जी, लेकिन उसका सच्चा बेनिफिट लोगों को, रक्षा जो हमारी सेनाएं हैं उनको मिलना चाहिए जी, है ना। ये नहीं है कि नेता लोग बीच में अपना वो जो बजट तो पास हो जाता है, लेकिन वो वहाँ तक उसका, यानी वो चीज है वो ओनली डॉक्यूमेंट में नहीं रहनी चाहिए, एक जो है धरती पे उतरनी चाहिए, एप्लीकेबल होनी चाहिए। जो हमारे सैनिक है उनको कुछ ना कुछ उनको हाथ में दिखाई देना चाहिए जी।
अगर उससे उसका उनको फायदा होगा और नेचुरली सिनेरियो कभी भी चेंज हो सकता है। पाकिस्तान से तो हमेशा हमारा दिल बना ही रहता है लड़ाई का, लेकिन चाइना भी एक चैलेंज हो सकता है जी, तो उसके लिए हमें बहुत अच्छा कदम है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा अभी बजट में जो लोग कंसर्न है, जो मैं लोगों से पता चल रहा है, जो रोजगार है उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, यानी स्पेशली उस पर फोकस नहीं किया गया। मेरा आपसे यही क्वेश्चन है और साथ ही एक क्वेश्चन हो रहा है, एजुकेशन में एफडीआई लाना किस तरीके से देखते हैं, क्या एजुकेशन अब एक बिजनेस बनने वाला है? देखिए जहां तक वो है कि भाई रोजगार का संबंध है तो देखिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप जो पैसा आपके पास आ रहा है उसको आप खर्च करें। जब आप खर्च करोगे तो नेचुरली क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेचुरली आपको रोजगार भी, आपका रोजगार भी सृजन होगा, उसके लिए भी आपको मौका मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहती है, इसलिए वो चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको खर्चा करना ही पड़ेगा जी। तो यही सोच के इन्होंने जो सेविंग वगैरह के लिए जो एग्जेम्पशन थी पहले जो मिली थी रिबेट्स, उनको खत्म किया है। तो मुझे यही लगता है कि इससे थोड़ा कुछ फायदा लॉन्ग टर्म में तो हो गया जी। और सबसे बड़ी आती है कि जो हमारी सरकार कर रही है वो शॉर्ट टर्म को ध्यान में रख के लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के कर रही है, तो लंबे समय में इसके फायदे होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल हमें कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो बहुत अच्छा हो। सो एफडीआई, जैसे इन्होंने इस बार एफडीआई को काफी तवज्जो दी है अपने बजट में, और इससे जैसे कि मैं अभी कुछ दिनों पहले वीडियोस देख रहा था या फिर न्यूज में भी पढ़ रहा था, जो बाहरी हमारे जैसे मुल्क हैं वो काफी ज्यादा खुश हैं कि एफडीआई को इंडिया ने अपना प्रायोरिटाइज किया है बजट में, ताकि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़े बाहर के लोगों का, अदर कंट्रीज का। सो वो तो बहुत खुश है, लेकिन क्या हमारी जनता इससे खुश है एफडीआई को बढ़ाने से? देखिए अभी आप कुछ समय पहले ही बताया चाइना से बहुत सारा माल डंप हो गया था हमारी इकोनॉमी के अंदर जी, तो उस वक्त हमारे अपने जो उद्योग धंधे थे वो सब धीरे धीरे ठप होते जा रहे थे जी। 10 रुपए में, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है मास स्केल पे होता है, तो 10-10 रुपए की चीजें वो हमें बेच रहे हैं, तो इससे हमें क्या होता है कि हमारे अपने जो हाथ से काम करने वाले हैं, हमारे यहाँ उनको उनके लिए नुकसान है जी, है ना। तो अच्छा है कि हमें दूसरे जो फॉरनर जो है उनका इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए, मगर उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ ऐसे प्लान करना चाहिए ताकि हमारी जो अपनी हुआ है अभी, हमें या तो अपने जो प्रोडक्शन है उसको उस लेवल पे लाना पड़ेगा, उस कंपटीशन लेवल पे लाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग कम्पीट कर सकें। अगर हम कम्पीट नहीं कर पाए तो हमें थोड़ा सा रोक लगा उस पर रखनी चाहिए। फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था क्या एजुकेशन एक बिजनेस बनने वाला है, क्योंकि एफडीआई को पूरा ला दिया गया है एजुकेशन। एजुकेशन तो पहले से ही बिजनेस बन चुका है, अब और ज्यादा बन जाएगा लगता तो यही है, क्योंकि एजुकेशन सब्जी के बिजनेस। देखिए दो ही फील्ड है इंडिया में जो राइज कर रहे हैं, एक एजुकेशन और दूसरा मेडिकल जी, ठीक है, दोनों ही बिजनेस बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेडिकल से सेवा भाव बिल्कुल हट चुका है, एजुकेशन में भी लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है ना, तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो गाइस हमारे साथ कुछ और लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश शर्मा जी। लोकेश जी आप ये बताइए, जैसे आपको पता है अभी जो है 1 फरवरी को हमारा बजट आया है, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बजट में सबसे अच्छी लगी, या फिर कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि बजट में और ज्यादा होनी चाहिए थी? देखो यहाँ में बजट में क्या हुआ है जी, जो हमारे मंत्री जी ने करा है जी, कुल मिला के ये है जो चीजें आम जनता की जी जी रिलैक्स होना चाहिए, जो उनको मिलना चाहिए था जी, वे तो सब महंगी होगी जी, और जो एक साल में जीवन भर के लिए वो चीज होती है जी, वे सस्ती कर दी गई जी, बोले जीवन जिंदगी पे एक भी टैक्स लग गया जी, वो बल्ली जी। और जो परमानेंट जो टैक्स डेली दिया जाता है उसको महंगी कर दिया गया जी। तो ये चीज का थोड़ा सा आम जनता पे थोड़ा बोझ पड़ा है जी। जैसे आपकी चप्पल बता रहे हो, हाँ हाँ, मोबाइल बता रहे हो, फर्नीचर हो गया, ये चीजें डेली यूज करने वाली हैं, बूट हो गए, इन पे पैसे बढ़ गए, ये पब्लिक डेली पहरेगी। सोलर का था प्लान तुम्हारा है, फ्रिज है, एक बार घर में एक बार आता है, आदमी की शादी होती है एक बार मिलकर अपना जीवन तक चल रहा होता ना, लेकिन चप्पल जूता रोज की खरीदे जाते हैं, और तुम्हारा जो ये खाने पीने की चीजें सब पे जो दाल है आज का भाव आ जा रही है। मोदी जी कह रहे थे भाई हम युवाओं का देश है, आज युवा कहाँ पहुंच चुका हमारा, हमें समझ में नहीं आ रही, आज युवा के बारे में कुछ नहीं देखा जा रहा, आज बजट में कितनी नौकरियां बाहर निकाल दी, आज देखो कितना हमारा ये जो युवा लड़का जो 5 साल के अंदर जो हमारा जो देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बोला सबका साथ सबका विकास, जो पहले बजट को पेश किया गया था, और आज देखो कहाँ पहुंच चुका, आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, मीडियम क्लास आदमी नीचे बैठ चुका बिल्कुल, उसके बारे में कोई गौर की नहीं जा रही है। तो ये चीजें हैं थोड़ी सी भाई, थोड़ा गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए, जो युवा देश बोला जा रहा है 65% यंग जी, आज यंग बेचारा बैठका घर में जी, और जो 5-7% भी देश चला रहे जी, इसी के बारे में युवाओं के बारे में बैठो, आज बच्चों हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं जी, जमीन बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, मकान बेच के 20-20 लाख में हम बच्चे को डिग्री दिलवा रहे हैं, उसमें क्या मिला हमें, हमारा बच्चा घर में बैठा हुआ है क्या कर पाएंगे। So, आप रोजगारी पे आ चुके हैं। सो आपका मेन क्वेश्चन, यानी जो आपकी बातों से मेरे को लग रहा है,
गवर्नमेंट को यहाँ पर जॉब्स के बारे में और जो सोचना चाहिए था जी, क्योंकि हमारा आज हमारा यंग आगे बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। सो मेरे यंग में इतनी पावर है हमारे में, हम बहुत कुछ उठा के ले जा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने टब योजना लगाई है, कई योजनाओं को बाहर लेकर आए हैं, लेकिन उन्हें मिल क्या रहा, कितने परसेंटों को मिल पा रहा, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें मीडियम क्लास का आदमी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसकी सोच को उनके वाह को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ही लोग पहुंच पा रहे हैं। So, आपका कहने का मतलब ये जो फैसिलिटीज जितनी भी आ रही है मोस्टली एंड यूजर तक, जो जमीन पर चीजें नहीं आ पा रही है। हाँ, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप भी आपने बात करी थी इन्वेस्टमेंट की या फिर जो आपने बात करी थी उसके रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है, एलआईसी जो है और मोस्टली हर घर में आपको मिलेगी, अब एलआईसी को ये जो है उसके शेयर बेच रहे हैं उस पर आप क्या कहते हैं? देखो हर आदमी लेता है, इसीलिए लेता है भाई मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या मेरे पास मेरी बच्ची की शादी आ जाती है तो मैं कुछ पैसे निकाल के उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, उस पैसे को जोड़ के मेरा बच्चा ग्रेजुएशन करेगा उस वक्त मैं उस पैसे को निकाल के उसमें लगा सकूं, या मेरी मेरे साथ कोई घटना हो जाती है तो उस पैसा को मेरे बच्चे उसको यूज कर सके। लेकिन उसको भी सबको आजकल बिजनेस बना लिया, सबको मतलब मार्केट में उतार दिया गया, तो ये कोई ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। उसके शेयर बेचे जा रहे हैं एलआईसी के, अब क्योंकि अभी तक जो है पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब जो है उसमें पब्लिक भी जो है अपना कंट्रोल हो रहा है देश के अंदर, से सारी चीजें जो गवर्नमेंट की चीजें हैं उनको शेयर मार्केट में उतार दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कर, जो हमारा धरोहर है जो आम जनता की धरोहर है उसको मार्केट में उतार के पब्लिक सिटी बना दिया जा रहा है, कुछ ही लोगों को हाथ में दे दिया जा रहा है, वे अपना अपना काम चलाएंगे अपने आराम से, हम उनके गुलाम होंगे, पहले थे और फिर दोबारा होंगे। यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ये कह रही है या फिर जो उनके कामों से वो लंबा सोच रहे हैं, मतलब वो अभी माइट भी जो है जनता को प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वो ये सोच के काम कर रहे हैं कि आगे आने वाले काफी सालों में इंडिया अच्छा ग्रो करे और इंडिया का अच्छा नाम हो। सो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है यहाँ पर एजुकेशन पे, जैसे कि अभी सुनील जी को मैंने क्वेश्चन करा था, एजुकेशन पे अब एफडीआई को ला दिया गया है, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन अब और ज्यादा बिजनेस वाला जो है एरिया बनने वाला है? जैसे भाई साहब ने बोला था ये सही कह रहे हैं जी, एजुकेशन तो पहली बिजनेस था जी, अब और ज्यादा हो जाएगा, एक्सलेंट बिजनेस बन जाएगा, विदेशों तक भी जाएगा हमारा ये ये हमारे मतलब बहुत तगड़ा लॉन्च होने वाला है जी। और जो हमारी ये जो हमारी मेडिकल है जी, ये पहली बिजनेस था, हाथ पकड़ाओ इतने पैसे पाओ जी, वहाँ को लिख दे वहाँ को लिख दे, गरीब आदमी पिसरा बेचारा, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं जी उसमें कुछ ही लोग मंत्री नेता लोगों की पर्ची कट जाती है वहाँ पर चले जाते हैं, गरीब आदमी देखो बेचारा को कितने दिन चक्कर काट रहा जी, उसको छह महीने की विजिट मिलती है, ये साल भर की विजिट मिलती है, इतने में दवा की छह घर में तो छह मौत निकल के बाहर निकल गया। सर आपने अभी हॉस्पिटल की बात करी थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा हॉस्पिटल्स पे यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट ने जो बजट में बात करी है, जिला अस्पताल जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर कॉलेज भी, उनके मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे ताकि वहाँ पर मेडिकल में पढ़ने वाले स्टूडेंट आए, लोग बढ़े, डॉक्टर बढ़े, स्टूडेंट बढ़े, ताकि जब वो प्रैक्टिस करें तो लोगों को भी वहाँ पर इलाज मिल पाए, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छी सोच है, उसका स्वागत योग्य है जी। लेकिन वे कागजों में रहते धरती में उतरती कहाँ है? धरती में नहीं उतरती, अभी बजट आता है 5 साल 20 साल के लिए बाद में आता, आपको कहाँ बजट आता है? रुकेंगे भी नहीं, कौन से रुकता मुझे बताओ भाई, कागजों में जितनी भी आती है हमने ये चीज बना दी, ये चीज बना दी, ये चीज बना दी, कहाँ बनती है? हम तो आज भी नंगे कल भी नंगे, जो आवे सरकार वो छोपे, कई सारे स्कीम आए है क्या कागजों में बनती है, अरे अपना अपने काम हो जाते हैं जी, वहाँ नीचे तो पहुँच ही ना रहा जी। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, जैसे कि जो है 2024 तक 100 न्यू एयरपोर्ट्स खोलने की बात हो रही है जी, ठीक है सर, सो इस पे मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगा, साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा यहाँ पर, तेजस आपने सुना होगा रेलगाड़ी जो नहीं चली है, 150 नई तेजस लाने का इनका प्लान है ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू, यानी प्राइवेटाइजेशन उसमें होगा, सो उसके थ्रू ये लाने का प्रोग्राम है, किस नजरिए से देखते हैं आप डेढ़ जो है? मैं देखो भाई नजरिया तो मेरा तो एक ही है सर, मैं जो बात कर रहा हूँ गरीब की कर रहा हूँ जी, तेजस सवारी किसके लिए आ रही है, 100 एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं किसके लिए खोले जा रहे हैं, ये क्या गरीब आदमी के लिए मीडियम आदमी के लिए खोले जा रहे हैं, सबका साथ, या यंग के लिए खोले जा रहे हैं, यंग की लड़का जो है जो बच्चा पढ़ रहा है जो हमारा प्रैक्टिकल देने जा रहा है परीक्षा देने जा रहा है वे तेजस में जाएगा जी, उसको तो गरीब रथ मिल जाएगा वो यही चला जाएगा, ये किसके लिए आ रही है बिजनेस, ये सब रोजगार जितने भी आ रहे हैं बड़े लोगों को आ रहे हैं, आज जो हम जो 6 घंटा में रेलगाड़ी से जा रहा 1.5 घंटा में मुड़ के झड़ते नहीं आ जाएगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसके किराया इतना, तो उसके लिए सब जितने भी एयरपोर्ट खोले जा रहे हैं बड़े लोगों को, ये जो कुछ लोग चंदा है अपना कर रहे हैं काम उनके लिए खोले जा रहे हैं, गरीब आदमी क्या है, गरीब आदमी कुछ चीज तो बताओ ना, हमने ये खोल दी गई है नो क्या, हमने 150 गाड़ी गरीब रथ चला दी गई है या ना, या हमने भाई ये बस इतनी खोल दी गई है गरीब आदमी को रोजगार, या ना 4 साल में मेट्रो किराया देखो,
2024 तक चार साल में 100 एयरपोर्ट, ये तो वो बात होगी जैसे मोदी जी ने 100 दिन में पूरे व्यवस्था बदल देंगे वो वाली कहानी हो रहा है। सो मतलब ये है कि डॉक्यूमेंटेड है, नॉट पॉसिबल। आपने 5 साल हो गए, कितने बना दिए एयरपोर्ट बताओ। सो ये जस्ट एक डॉक्यूमेंटेड लग रहा है कि धरातल पे नहीं चला गया। जो भी सरकार है, 6,000 लिख दो ना, उसमें 1,000 एयरपोर्ट लिख दो, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिलने वाला। बीट का आदमी तो ऐसा घुन गया, अब किस गया। तेजस डेढ़ सौ तेजस आ जाएगा चार साल में। चार साल की बात कर रहे हैं, पटरी रेल पता नहीं सर। ये तो आप इन्होंने डॉक्यूमेंट बजट में लेके आए, मतलब बजट में लेके आए ना, उसी लाइन में जहाँ पे वो राजधानी एक्सप्रेस चलती है या लोकल चलती है, कौन से ट्रैक पे चलेगा, या तो नया ट्रैक लाओ। तो वो चार साल में ट्रैक भी बदल जाएगी और इतना तेजस भी आ जाएगा। चार साल की बात कर रहे हैं, 2024 तक 150 नई तेजस ये लाने का जो है बात कर रहे हैं। अरे लाइन बिछाते हैं वो तेजस जो चलाएंगे ना, लाइन आदमी के बारे में जरूर सोचे, जो गरीब आदमी है, मीडियम आदमी है, उनके बारे में सोचे, उन्हें रोजगार निकाल के दे। किसी को भीख नहीं चाहिए, मेहनती है किसान आदमी, बिल्कुल मजदूर आदमी, किसान को भावड़ा बजाता है, मेहनती है, वो अपना हक मांग रहा, लेकिन रोजगार तो हो, दो तो सही उन्हें। कौन कह रहा तुम बहन से 2,000 रुपए खाते में डालो, 6,000 रुपए डालो, कोई कह रहा 6,000 दे देंगे, कोई कह रहा 20,000 दे देंगे, कोई कह रहा ये दे देंगे। अरे कहे को चाहिए, तुम कम से कम उनको लागत दो, उनको रोजगार दो, परमानेंट रोटी रोटी दे दो, उनको उन्हें कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी की हेल्प करके। तो सर इस बार इस बजट में इन्होंने कृषि के जो बजट का उसको काफी बढ़ाया। 2022 तक का इनका प्लान है कि जो हमारे खेती करते हैं लोग उनकी 2022 तक आय डबल करने का इनका प्लान है। 16 सूत्रीय इन्होंने यहाँ पर योजना लेके आए हैं इस बजट में, आपको क्या लगता है सर उसके बारे में? जब तक जितना किसानों को जो उनके औजार हैं, जो उनके वे हैं, बस उनको मंदा नहीं दिया जाएगा, उनको मतलब छूट नहीं दी जाएगी, जब तक किसान उठ नहीं सकता। डाई पे टैक्स लगा रहे हो, डीजल तुम्हारा इतना महंगा होता जा रहा है, कह रहे हो किसान को दुगनी आय करने जा रहे हैं, काहे की दुगनी आय होगी भाई, मुझे बताओ। सो आपका क्वेश्चन ये है, जो भी किसान के तुम 40 पैसे गेहूं का रेट बढ़ा देते हो, 40 पैसे गेहूं का रेट बढ़ा देते हो, बिल्कुल हमने बढ़ा दिया जी। क्या बढ़ा दिया उसके पूछो ना, 7 बेर पानी लगाना, 4 बेर खेत जुत्ता, उसकी जुताई के भाव देखो ना क्या है, गलत घर है किसान। सर यहाँ पर उसको तो 30% भी मिल जाना, दुगनी आय की बात कर रहे हो, वो 20% अपना गुजारा कर लेगा। सो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, चलिए उनसे क्वेश्चन होता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्टीफन डोमिनिक है। जी स्टीफन भाई, आप मेरे को ये बताइए, जैसे कि आपने बजट पढ़ा होगा, सो उसमें बजट में मोदी गवर्नमेंट ने एक बात करी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया में बनाया जाएगा, जो कि बनेगा दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई आप अगर उस एक्सप्रेसवे को यूज करेंगे, मात्र 12 घंटे के अंदर दिल्ली टू मुंबई आप पहुंच जाएंगे। किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? अरे बहुत बढ़िया ये है, प्रपोजल है, इनकी इतने सारे योजनाएं हैं, योजना करते रहो बैठे बैठे। हम लोग भी बैठ के कई सारे योजनाएं करते हैं जी, हम खेलते हैं उसमें भी योजनाएं रहते हैं, योजनाएं करते रहो ना जी। लेकिन कितना जमीन पे कितना सक्सेसफुल हो रहा है वो देखना जरूरी है जी। अगर करे मोस्ट वेलकम जी। लेकिन इसमें बजट का जो उन्होंने थीम लेके आए, सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ये सारे वो एक्सप्रेस वे भी जो आएगा ना उसमें सबका साथ सबका विकास, उसमें आई डोंट थिंक कि वो सबका साथ सबका विकास होगा। इसके साथ एक और चीज मैं जोड़ दूं, आपने जो बोला है, मैं थोड़ा सा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से बिलोंग करता हूं जी सर, और मोदी जी का एक जगह पे तारीफ करूंगा कि उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जिक्र, जैसे वो उन्होंने योजनाएं कई सारे लाते हैं, मेरे पास भरपूर झोला है, झोला भर के आते हैं वो जी। तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो पहला प्रधानमंत्री है जो कुछ करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि करने के लिए उन्होंने मन की बात किया है जी। तो मन की बात करना, मैं चाहूंगा उसको सक्सेसफुली वो जमीन पे उतारे। क्यों? हमारा इंडिया जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है, आप सबका साथ सबका विकास, गांव गांव में विकास करके इसको दुनिया को दिखाओ ना, इतना वर्सेटिलिटी है हमारे इसमें, कल्चर में, नेचर में, वो सारा चीज लेके आओ इंडिया में, दुनिया को दिखाओ, ये सब भी बजट में होना चाहिए। सबका साथ सबका विकास करो ना करो, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोई जो रोज की जो हमारे किसान मर रहे हैं, जिसका जॉब, इतने सारे लोग बेरोजगार है, और सबसे बड़ी थीम है बेरोजगारी। तो छोड़ो जी, क्या होता है, क्या एक ना बिजनेस बन चुकी है कि आज एक एडवर्टाइजमेंट निकाल लो जी, और उसमें फीस ले लो, और फीस लेने के बाद ना वो वैकेंसी निकाल दी है आपने, और उसकी भरपाई आपने भर्ती आपने किए नहीं, तो बेरोजगारी का जो आजकल जो एजिटेशन देख रहे हो ना, वो ये एजिटेशन नहीं है कि हमें नौकरी नहीं मिला जी, हमें नौकरी नहीं मिला जी, वो तो मुद्दा ही है जी। लेकिन ये भी मुद्दा है कि जिन्होंने एग्जामिनेशन पास करके बैठा है उनको भर्ती नहीं कर रहा जी। सो मैं आपका क्वेश्चन कहीं इस तरीके से देख रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, काफी लोग बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट जॉब का, और एंड ऑफ द डे पता चलता है ये तो पेपर लीक हो गया, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि
लोगों ने पैसे लगाए, फॉर्म भरा, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया. सो वहां पर काफी डिसअपॉइंट होते हैं बच्चे हमारे, जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सालों से मेहनत कर रहे होते हैं. सो जी वहां पर कहीं ना कहीं बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर कुछ रिजल्ट को होल्ड पे कर दिया जाता है. सो आई थिंक शायद आप यही कहना चाह रहे थे. नहीं, वो आपने ये शिक्षा सेक्टर में बोला है. जी सर, मैं ओरिजिनल सेक्टर में भी बोल रहा हूँ. कई सारे वैकेंसीज अलग अलग जगह पे, इवन रेलवे का भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी निकले हैं, जहाँ पे वो भर्ती नहीं की गई, वो पास करके बैठे हुए हैं. एक मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जहाँ पे शायद वो मैं विकलांग कहना नहीं बोलूंगा, वो बोलते हैं स्पेशली एबल्ड बोलते हैं, स्पेशली एबल्ड बोलते हैं. तो उनके लिए भी कुछ कुछ निकला था, और उनके लिए भी जो है ना, वो भर्ती बाद में पास करके बैठे हुए हैं, भर्ती नहीं कराई गई. तो ये सब भी अगर सबका साथ सबका विकास देख रहे हो ना, तो ये सब भी आप देखो सबका साथ. सो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास यहाँ पर बीजेपी अपने बजट में कर रही है, अपने स्लोगन ला रही है सबका साथ सबका विकास, तो वो एंड यूजर तक होना चाहिए. हर किसी का विकास यहाँ पर होना चाहिए, वो किसी भी लेवल का हो. सो यहाँ पर हमने पब्लिक से कुछ व्यूज लिए इंडियन बजट 2020-21 के. सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. वंदे मातरम.